15 ट्रेंड के अंदर में मैं आपको 3 फोन बताऊंगा जिसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो चीज़ आप चाहते हैं, जैसे कि बिग कैमरा, हाई लेवल का प्रोसेसर, बिग बैटरी लाइफ, डिजाइन ऑसम, एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले विथ 5G के साथ। तो अगर आपका भी बजट है 15K के अंदर में और 15 ट्रेंड के अंदर में चाहिए बेस्ट 5G स्मार्टफोन, तो मैं अभी आपको 3 स्मार्टफोन बताऊंगा, वो भी अलग अलग ब्रांड का, जो कि कमाल का स्पेक्स के साथ आता है, माइंड ब्लोइंग स्पेक्स दे रखा है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्मार्टफोन है रियलमी का 11X 5G। और रियलमी का ये बहुत ही लेटेस्ट स्मार्टफोन है जिसमें तुम्हें कैमरा, बैटरी बैकअप एक नंबर देखने के लिए मिलेगा। थिकनेस है 7.89 mm का थिकनेस है, स्लिम डिजाइन है, 190 ग्राम के आसपास है, और इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है। डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 6.72 इंच का IPS LCD स्क्रीन दे रखा है, जो कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको IPS स्क्रीन पसंद नहीं है तो आगे जो मैं आपको स्मार्टफोन बताऊंगा उसमें आपको AMOLED मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। बाकी फोन के अंदर 120Hz का पैनल, 180Hz का टच सैम्पलिंग पंचोल डिजाइन के साथ आता है। बैक का डिजाइन बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा स्लिम डिजाइन दिख रहा है, और MP डुअल रियर कैमरा है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2MP का है जिसमें आप लोग फुल HD पे 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका सेल्फी कैमरा थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, मेगापिक्सल। तो देखिए अगर 15,000 के अंदर में IPS पैनल भी मिल रहा है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन इसका कैमरा बहुत ही ज्यादा एवरेज है, काफी डिसेंट परफॉर्म करता है। बैक कैमरा तो ठीक है बट सेल्फी कैमरा नॉट गुड। ओके, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस का चिपसेट मिलता है जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक है। 6GB का रैम मिलेगा एंड एक्स्ट्रा आप 6GB का वर्चुअल रैम भी बढ़ा सकते हैं। 128GB का स्टोरेज मिलेगा। अब देखो ये जो प्रोसेसर है आप इसे ठीक ठाक प्रोसेसर बोल सकते हैं, यानी कि डे टू लाइफ में बहुत ही अच्छे से काम करेगा। हीटिंग तो लैग बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि नॉर्मल किसी भी गेम को मीडियम ग्राफिक्स में इंजॉय कर पाओगे। ऐप वगैरह काफी फास्ट काम करता है, पर हाँ ये प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 33W का सुपर वोक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। देखो फोन का स्पेक्स ओवरऑल ठीक ठाक है, जो इसमें माइनस पॉइंट मुझे लगा वो है थोड़ा सा कैमरा। देखो ये फोन मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिसको रियलमी का फोन चाहिए अंडर ₹15,000, तो रियलमी का 11X 5G देख सकते हैं। इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा लुक, काफी प्रीमियम लुक देता है, यानी कि अगर आप इस फोन को यूज करोगे काफी हैंडी फील होगा और लगेगा कि मैं 30,000 यानी कि बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ। हालांकि स्पेक्स के मामले में उतने आगे निकल के नहीं आता है, कुछ स्पेक्स के मामले में जैसे कि बैटरी इसका ठीक है, डिस्प्ले ओवरऑल ठीक ठाक है, कैमरा उतना खास नहीं है, प्रोसेसर भी उतना खास नहीं है, 5G स्पीड भी ठीक ठाक है, एंड UI भी आपको ओवरऑल ठीक ठाक मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस फोन के अंदर। बाकी कीमत के बारे में बात करें तो ये फोन आपको 14,999 पे मिल जाएगा, Amazon पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। ओके, अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है, तो तुम्हें अगर 8GB रैम वाला फोन चाहिए, 108MP कैमरा फोन चाहिए, तो इस फोन को खरीदो जो है इन्फिनिक्स का Note 30 5G। दिस इज रियल किलर 5G स्मार्टफोन, काफी लेटेस्ट है, इन्फिनिक्स ने बहुत ही अच्छा फोन लेके आया है। सबसे पहले इसका लुक देखो, बहुत ही ज्यादा आपको स्लीम एंड काफी स्मूथ लुक देखने के लिए मिल जाता है, एंड ऑरेंज कलर में और भी ज्यादा ये फोन ब्यूटीफुल दिखता है। स्पेक्स के बारे में बात करूँ, 8.5 mm का थिकनेस के साथ आता है, एंड नाउ ही स्मार्टफोन बहुत ज्यादा भारी स्मार्टफोन है, यानी कि हैवी स्मार्टफोन है, जो है 204 ग्राम के आसपास। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। दिस इज लार्ज डिस्प्ले, 6.78 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, तो डिस्प्ले काफी कमाल का दे रखा है, ब्राइटनेस वगैरह भी काफी अच्छा है, एनर्जी ग्लास का प्रोटेक्शन का सपोर्ट मिल जाएगा, 120Hz का पैनल मिलेगा, नाउ 240Hz का टच सैम्पलिंग, एंड नाउ काफी कमाल का डिस्प्ले है। सो वीडियो देखने में, चलाने में काफी ज्यादा स्मूथ लगता है, इनफ जब आप गेम खेलोगे तो उसमें और भी ज्यादा आपको बैटर फील देगा, बिकॉज इसके अंदर आपको 120Hz का पैनल के साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग भी मिलता है। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं बिगेस्ट प्लस पॉइंट इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। हालांकि AMOLED नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेक्स के मामले में जिस प्राइस के अंदर में आता है ये फोन ठीक है। एंड इनके साथ आपको बैक में एक नहीं बाकी 3 कैमरा मिलेगा, 108MP का 53 कैमरा का सेटअप दे रखा है। बाकी यहाँ पर आप लोग 1440p
30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, तो देखो लो लाइट में सनलाइट में काफी अच्छा फोटो क्लिक करता है। बट अगर आप नाइट मोड का फोटो देखोगे तो उतना खास परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन डे लाइट का वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो दोनों काफी बेस्ट है एंड काफी स्टेबल है। बाकी इसके अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6080 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि मोस्ट पावरफुल फास्टेस्ट प्रोसेसर है एंड 2.4 GHz की क्लॉक है। 8 GB का रैम मिल जाएगा, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, यानी कि लेटेस्ट पावरफुल चिपसेट है। काफ़ी फास्ट एंड काफ़ी लार्जेस्ट चिपसेट इस फोन के अंदर यूज किया गया है, जहां पर आप किसी भी गेम को वेरी हाई स्मूथ ग्राफिक में खेल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बिगेस्ट प्लस पॉइंट मिल जाता है। एंड नाउ दिस इज 5G स्मार्टफोन, 5000 mAh की बड़ी बैटरी एंड इसके अंदर भी आपको 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो यार, अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए, कमाल का प्रोसेसर, कमाल की कैमरा के साथ डिस्प्ले भी एक नंबर चाहिए, तो देखो ये फोन आपके लिए बेस्ट होगा। देखो थोड़ा सा आउटडोर में यूज करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्राइटनेस दे रखा है वो 508 nits का है। अगर 900 भी क्रॉस होता तो और भी ठीक ठाक होता। सो देखा जाए मोटा मोटी स्पेक्स के मामले में कहीं ना कहीं आगे निकल के आता है। अब बात करते हैं फाइनली प्राइस के बारे में, तो भाई आपको 8 GB रैम 256 GB रोम के साथ देखने के लिए मिलता है 14,499 ओनली फॉर 14,499। एंड मैं आपको बता दूं BBD ऑफर चल रहा है, तो इधर भी आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी कार्ड से ऑफर चल रहा है लगा लो भाई, चाड़ के डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिगेस्ट आपको डिस्काउंट के साथ ये फोन देखने के लिए मिलेगा। सो अब जो लास्ट स्मार्टफोन है, इसका जो प्राइस था पहले काफी ज्यादा था, एमिंग 1812 के आसपास आता था, लेकिन अभी काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, जो है रेडमी का नॉट 12 5G। ध्यान से सुनिएगा, रेडमी का नॉट सीज का 12 5G है, जो की कमाल का फोन है। 18,000 की रेंज में ये फोन पहले आता था, बट अभी आपको 15K के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। अब देखो इसके अंदर जो थिकनेस दे रखा है 8 mm का, जो कि काफी स्लीम है, 188 का ग्राम का आसपास है, जो कि बोलूंगा एवरेज फोन है। साइड में आपको इसमें भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। और जो सबसे बिगेस्ट प्लस पॉइंट है वो है डिस्प्ले, यानी कि भाई 6.67 inch का AMOLED स्क्रीन डिस्प्ले दे रखा है, जो कि काफी लार्ज डिस्प्ले है। डिस्प्ले का जो क्वालिटी है, ब्राइट है, काफी स्मूथ काम करता है, बिकॉज इसके अंदर आपको 1200 nits का पीक ब्राइटनेस, यानी कि आउटडोर में भी काफी अच्छे से यूज कर पाओगे। इनअप इसके अंदर 120Hz का पैनल, 240Hz का टच सैम्पलिंग, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन का सपोर्ट। तो देखो यार, डिस्प्ले जो है ना बहुत ही अच्छा दे रखा है। और आई नो आपको पता होगा, अधिकतर हम लोग ज्यादा समय डिस्प्ले पे कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, एमिंग वीडियो चलाना, लाइक ऐप वगैरह ओपन करना, तो ये फोन कहीं ना कहीं डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा आपको ग्रोथ करेगा, यानी कि बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले दे रखा है। वीडियो देखने में काफी मजा आएगा, काफी कलर्स वगैरह जो देगा ना वो काफी अलग टाइप का देगा एंड बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। बाकी इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP, जहां पर आप लोग फुल HD 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 13 MP का सेल्फी कैमरा है। अब देखो मेगापिक्सल पे बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन हाँ फिर भी बोलूंगा ठीक ठाक कैमरा क्लिक करता है, उतना भी खराब फोटो क्लिक नहीं करता है, बहुत ही डिसेंट फोटो क्लिक करता है। ना ज्यादा बेस्ट बोलूंगा, ना ज्यादा लो बोलूंगा, ठीक ठाक बोलूंगा। बाकी भाई इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 4th Gen का 1 वाला चिपसेट मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्म करता है। 4 GB का रैम है, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज है। बाकी इसके अंदर 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 33 वाट का चार्जर है। अब देखो ये जो फोन है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा माइनस पॉइंट है, लेकिन फिर भी इसको मैं आपको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर 6GB 128GB का कीमत देखोगे तो करीब करीब 17,000 के 17,500 के आसपास आता है, लेकिन डिस्काउंट में अगर आपको 15,000 में मिलता है तो मैं बोलूंगा इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। 4GB वाला मे भी मत खरीदेगा। अगर आपको ये फोन पसंद नहीं आता है तो एक और फोन को देखिएगा, जो है पोको का पोको X5, ये भी फोन आपको 15K के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो इस फोन का स्पेक्स ओवरऑल ठीक ठाक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि Redmi का Note 12 5G ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। अब देखो इस फोन को मैं नंबर 1 भी नहीं रखा हूं, किसी भी फोन को मैं रैंकिंग बार रैंकिंग नहीं रखा हूं, क्योंकि हर फोन कहीं ना कहीं प्राइस एंड स्पेक्स के मामले में अपने आप से आगे निकलता है। कुछ फोन में आपको कैमरा बैटरी मिलता है, कुछ फोन में आपको बैटरी बैकअप मिलता है। तो ये फोन आपको AMOLED पैनल के साथ मिलेगा, 5G स्पीड भी काफी अच्छा है, डिजाइन भी ठीक ठाक दे रखा है, बैटरी बैकअप लाइफ काफी अच्छा है, कैमरा भी इसका ठीक है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेसर एंड रैम स्टोरेज बढ़ा देता
तो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन हो सकता था। लेकिन याद रखिएगा ये वाटरप्रूफ के साथ आता है IP53 के साथ, तो ओवरऑल ठीक ठाक स्मार्टफोन है। इसका जो रियल प्राइस है अमेजोन पे एंड फ्लिपकार्ट पे अभी 15,999, बट आपको पता ही है कि फेस्टिवल है तो इजीली आपको 15,000 के अंदर में मिल जाएगा। सो ये फ़ोन पसंद नहीं आता है तो पोको का लास्ट आपके पास एक और ऑप्शन है जो है पोको का X5। देखो और भी काफ़ी सारा फ़ोन है 15,000 के अंदर में, बट मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कुछ ही फ़ोन बताया कि 15,000 के अंदर में बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट के साथ आता है। सो ओवरऑल कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपको कौन सा डिवाइस अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।